जय डुगर जय जम्मू में सरसन भार्गव तुसी दिखा दे एस बी कठुआ। जिवें तुसें पता है कि अज है दशहरा विजयदशमी। इत्थों कलाकार ने जिहड़े नौजवान कलाकार ने जिन्हें लगभग 10 दिन पूरे कलाकारी की है, कुछ ने रामचंद्र जी का, कुछ ने लक्ष्मण जी का, कुछ ने हनुमान जी का, कुछ ने अंगद जी का, कुछ ने रावण जी का, अलग अलग रोल कीते। आओ उन कलाकार जिहड़े ने उन्हें मलाटी करचै और मलाचा उन्हें उन्हें कहना कि उन्हें किन्नी देर हुई है कलाकारी करते। सब तो पहले चलने जय श्री राम हनुमान जी। श्री राम जी के भगत ने हनुमान जी। सर के ना थोड़ा? मेरा नाम अशु महाजन है। अशु महाजन जी, अशु महाजन जी तुस कैदा रोल करते हो? पहले तो सारे मेरी तरफ जय सीता राम। मैं प्रभु श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का रोल करना मेरा बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि इस रोल किन्ने साल हुए अशु जी काम करते हैं? भैया हनुमान जी का रोल इस बार में भाई 21 साल हुए ने। 21 साल तो मैं महाराज हनुमान जी का रोल निभाना है तो मैं बड़ा खुशनसीब समझना अपने आप की, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं है, क्योंकि कोई भी इस लायक नहीं है जो हनुमान जी की आखो कि अपने अंदर अवधारण कर सके, क्योंकि नहीं, क्योंकि जिन्हें सुचे हो इन्ने पवित्र हो अस कभी नहीं हो सकते, पर फिर भी उनकी मेहर है तो अस रोल करा। हनुमान का रोल करते बड़ी पवित्रता चाहिए होंगी है, तो क्या इन्ने दिन हनुमान का रोल करते हो, क्या व्रत रखते हो, क्या करते हो? जी बिल्कुल, जो पवित्रता है वह बिल्कुल ध्यान रखने पौंदा है, तुहानू जिहड़ियां तुहाडी प्रिय चीज़ां होंदियां सब छड्डने पौंदियां, ठीक है ना। क्योंकि देखो भगवान ने भी नहीं बोले दा कि तुहाडे कोल जिहड़ी चीज़ नहीं होंदी तुस बंदिश च आइए करो। हुण मिगी सुनाओ, भगवान ने हनुमान जी ने श्री राम होरें पाने वास्ते किहड़े मंत्र दा जाप किया? सुनाओ तुस, कोई बड़ा वड्डा मंत्र हा? नहीं, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम बोली उन्हें प्रभु श्री राम होरें पाई लिया। तो जे जिन्हें सीता राम बोली तां समझो पवित्र होई है, इहदे कोलों वड्डा शब्द कोई नहीं। तुसें जी है कि संतुष्टि मिलती है हनुमान जी का रोल करते हो? सर संतुष्टि तो बड़ी होंगी है, ज्यादा संतुष्टि। देखो मेरी पहचान तो नहीं हुई, मैं जिधरों भी निकलना ना मैं सारे सिया राम बोलता। जल्द मैं कोई सिया राम बोलता ना समझो, उन्हें मैं सिया राम बोलिया उन्हें अपने पाप कट कर ले, तो मेरी पहचान ही सिया राम हुई। जल्द सारे बोलते भैया जय सिया राम, भाए तुम वर्दी च होवो भाए नहीं होवो, भाए तुम अपने जीवन च साधारण लाइफ च भी होवो, तब भी आते जाते कई बार तुम भी लभने, तुम भी सीता राम बोलते हो। जिन्हें तुम सीता राम बोली तो आखते ना राम से बड़ा राम का नाम, जिन्नी शक्ति राम जी के नाम च है ना वो शायद राम च भी है। जय श्री राम, जय सिया राम। लक्ष्मण जी का रोल करा देने इंदे कन्नै मिलने आ भैया की ना थोड़ा? मेरा नाम आदित्य सिंह है। क्या रोल कर रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ यहाँ पे राम नाटक सभा कठुआ में। इससे पहले मैं 10 साल से तकरीबन यहाँ पे कलाकारी कर रहा हूँ। मैं 2014 में आया था इधर, आज 2024 है, 10 साल मुझे हो गए हैं इधर आते हुए। पहले मैंने छोटे छोटे दृश्यों से स्टार्ट किया, छोटी छोटी कलाकारी, जैसे हनुमान की सेना बन जाना, वानर सेना बन जाना, फिर राक्षसों की जो सेना होती है वो भी बना, फिर उसके बाद मुझे बोलने वाले रोल मिले, मौका दिया भगवान ने, तो आज हमारे सभी भाइयों की कृपा से ये भी दिन है कि लक्ष्मण का रोल करने का मुझे मौका मिला। कलाकारी करते हो लक्ष्मण जी का रोल, कितना मजा आता है आपको, कितनी संतुष्टि मिलती है आपको? मजा तो आता है, संतुष्टि तो मिलती है, ये भी एक आनंद है प्रभु ने जो हमें सौभाग्य प्रदान किया है फर्स्ट टाइम लक्ष्मण का रोल करने को जो दिया, ये भी कोई भगवान की ही लीला है जो हमें जो रोल मिला लक्ष्मण। जय श्री राम, ये लक्ष्मण का रोल करा हूँ करने, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये राम जी का रोल करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम। के नाम थोड़ा? मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह है। विश्व प्रताप जी, तुम रामचंद्र का रोल करते हो? हाँ जी सर। किन्ने बरे हुए तुम राम ही रोल करते हुए? लगभग लगभग 2005 तो मैं रोल स्टार्ट किया हाँ, उस टाइम मैं कोई छोटा राम बनता जिस मैं पहले कोई 3 दिन का रोल, ब्याह तक का रोल मैं ही करता हाँ, मतलब बनवासी रोल साढ़े भैया है राम भाई अजय भैया है अजय शर्मा वो रोल करते थे, पर अज तो कोई 7-8 साल ऐसे हुई है कि उनकी अगर जॉब वगैरह बाहर रामबन लगी है वो बाहर चली गए, उनकी जगह मैं 8 साल तो मैं फुल पूरा रोल मैं कराना। तो कितना का मजा आता तुम्हें ये रोल करते रामचंद्र जी का? मैं यकीन अज भी यकीन नहीं होंगे कि प्रभु श्री राम ने मैं इस रोल से चुनिया, क्योंकि मैं इन्ना बड़ा कोई वो है नहीं है, कि फिर भी मैं बड़ा बड़ा धन्य है प्रभु श्री रामचंद्र होना जिन्हें मैं ये रोल से चुनिया, कि मैं उनका ये 10 दिन उनका रूप लेइयै ये रोल कर सकन, और मी बड़ा अच्छा लगता, बड़ी ज़्यादा खुशी होंगी, इं लगता कि ये रोल कभी हूँ एज भी होती काफ़ी 15-20 साल हो लगभग रोल करते कि कुछ और नए आदि बच्चे दिल नहीं करता रोल छा, बड़ी ज़्यादा खुशी होंगी, मैं बड़ी ज़्यादा खुशी मेरे पूरे लोग जो साढ़े सनातन धर्म ही भुला दे ये जो रामलीला दिखना नहीं आते लोग ये लोग आस्था भुला दे उन्हें किस संदेश देना चाहते? एक्चुअली जी ये सनातन धर्म है, रामायण है,
लोग समझा दे नहीं है अस लोगों समझ नहीं होना कि सू अपने बच्चे ये चीज़ दसनी चाहिए कि ज़्यादा जरूरी है। देखो रामायण से तो चीज़ देखते हो सारे को पहले होता कि बुराई बुराई रावण एडा बड़ा विद्वान हाँ उन्हें एक गलती की साड़ी एक गलती साढ़े पूरे फैमिली मतलब बर्बाद कर देती है। इस तो पता लगेगा कि अजकल बच्चे नशा वगैरह करा दे और एक जिले उपर कोई एक बच्चा नशा करता ना वो कला बर्बाद नहीं होता पूरी फैमिली तबाह होती है। तो इं ही रावण की एक गलती ही कला बर्बाद नहीं होया वो पूरा वंश अपना पूरा तबाह कराई था। बुआ पता चलता एक भरा का प्रेम अज जमाने भरा का प्रेम नहीं रहता ये रामायण से दसना चाहता अपने छोटे बच्चे देखो एक भरा हा जिसी बनवास मिलिया उन पिता की अगे का पालन किया कि राजे रुजे छड़ी बनवास चली आ और दूसरा भरा यह जिसी कख नहीं मिला जिसी कोई बनवास नहीं लक्ष्मण कोई बनवास नहीं मिला था पर फिर भी उन बंदे ने अपने बड़े भरा को दिखाया और अपने सारा राज्य उन भी छड़ी था अपने बड़े भरा के प्रेम ताई। बड़ा भरा सौंदा हा वह बंदा पूरी पूरी रात पूरा दिन जागता हा वह प्रेम है ना एक कि प्रेम दसते छोटे भरा तो बड़े भरा प्रेम अज जमाने कि चलना साढ़े न्यू जनरेशन नहीं पता चल सकता रामायण दिख गए फिर इतों पता चलता उन्हें नहीं कभी लक्ष्मण होंगे इन्हें सब कुछ किया। जय श्री राम जय श्री राम जय बड़ा अच्छा लगा तो मिले मलाटी की बड़ा अच्छा लगा और तो रोल ही बाकी राम का बहुत ही अच्छा रोल होता। आओ हम मलाटी बच्चे अंगद वो जो एक बार पैर जमीन जमाते नहीं एक बार तो पैर ही कोई पुट सकता तो उ अंगद होर ने मेरा नाम नीरज सिंह है नीरज अंगद का रोल हाँ मैं अंगद का रोल किन्ने बरे ये रोल करते पता नहीं कोई किन्ने बरे होइए पर मैं ना है कि मैं एट्थ ही पढ़ता हा 1998 मैं ये रोल सारे को पहली बार किया हा अंगद का फिर उदा मैं रोल कराना ये अलावा भी बड़े रोल किए मैं रावण का भी किया लेडीज रोल भी किए मैं कि हूँ यह है कि इन्ना एक्सपीरियंस होता कि हूँ कोई भी रोल बिना करी लैने रोल कहने जो इंसाफ है थोड़ा बहुत अभी कर लैने तो जल्द रोल करते हो तो ये पवित्रता बड़ी चाहिए होती है इन्ने दिन तुम व्रत रखते हो पूजा पाठ करते कि ये तो सच ये जो भी रोल अस जो भी नवरात्रे ने रोल करने इन्हें पूरे नवरात्रे बरत रखने पूरा बरत रखिए रोल करने होने कोई वो पूरी पवित्रता जिनी भी साढ़े को हो सकती असी पवित्रता बनाई है और इस रोल कहने कि रो तुम कुछ पुछगे ना कुछ जाइए स्टेज पर कि तुम्हें रोल करी कि लगता बंदा बोलता रोल करी बड़ा मजा आता बड़ी रोल करी सू मजा नहीं आता मैं बोलना कि रोल करना एक जिम्मेवारी बनी जी कुछ करैक्टर ही निभाना उस करैक्टर करना वह इंसाफ देना उस करैक्टर की एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है और उसी जिम्मेवारी निभाने तीन जो कुछ साढ़े को सकता असं उन्ना अपनी तरफों जरूर करने होंने कि कियां पवित्रता बनानी कि वह तो सूँ पता नहीं पवित्रता कियां बनानी पर जिन्ना साढ़े को सकता अस इस अपने रोल कन्नै इस अंगद के रोल कन्नै उसे पूरा इंसाफ करने की अस कोशिश करने होंगे। अच्छा एक चीज़ देखी उस अंगद उस रोल करते हो तो दिखाई गल रामलीला होती है और लोग घरों रामलीला देख नहीं आते पहले पहले की होंगे हाँ जो 9-10 दिन रामलीला होनी ने लोग घरों बोरू लेइए कंबल लेइए आते रामलीला दिखने जाना तो बड़ा रश पैदा होंगे अजकल लोग घरों निकलते हैं उन्हें किस संदेश देना चाहते हो इन्ना नहीं मैं बोलता कि लोग नहीं निकले लोग आते हैं पर लोग इन्नी तादाद च नहीं आते हूँ हो सकता लोगों को टाइम नहीं है टाइम की सारे को बड़ी पाबंदी हुई लोगों को दूआ कुछ बोलना ना मी पता कि अस कुछ बोलचे नहीं कि अपने बच्चे रामलीला करने भेजो तो मतलब उत्थे की करना यार बच्चे ने पढ़ना तो लोगों ये है कि वह रामलीला जाना उत्थे ड्रामा करना टाइम वेस्ट काम है तो हूँ इतने इो कि इतने हूँ एक परंपरा हुई कि जो सारे पहले कोई पूर्वज करते तो सू इत छे हूँ अस अपने बच्चे लिया इतना एक बारे तो कुछ ने आना नहीं उन्हें ही सोचा उत्थे महीना क बनना डेढ़ महीना माए ने राती नींदरे करते ये कोई बड़ा वो काम नहीं है मतलब सनातन धर्म भुला देना नहीं मैं नहीं बोलता सनातन धर्म ही भुला नहीं जी चीजें नहीं इन लोगों का इंट्रस्ट जो बड़ा ही ढिला दिया है कि लोग कोई इंट्रस्ट नहीं लेंदे हैं अगर घरों आई भी जाएंगे दिख तो कोई और ही गप्पा लानी वाला मैं कि उन्हें सुनना नहीं है कोई इंट्रस्ट नहीं लेंदे लोग ये सानू इं लगता है कि लोगों का इंट्रस्ट नहीं है लोगों का इंट्रस्ट बधना चाहिए इन चीज़ों की क्योंकि ये चीज़ा अगर खत्म हो गई तो फिर तुम क्या लैना के दसना अपने बच्चे और ज्यादा को ज्यादा तादाद च अपने निके बच्चे ले जाना चाहिए अज के टाइम से दिखो तुम इतने अगर बाहर चक्कर लग गए तो लोगों के माँ प्यो आए होने मंदिर बच्चे बाहर मोबाइल लेकर बैठा दे होने वो कुछ भी नहीं जाते बच्चे का इंट्रस्ट लोगों के कितना मोबाइल ही पाई देता इतने पिछले इलेक्शन हे माँ प्यो लाइन च लगे तो बच्चे साइड पर बैठे म्यूनसिपल काउंसिल मैं आपू दिखा उन्हें मोबाइल ले दे और बच्चे में वो पहले होता है नहीं कि बच्चा छड़ना नहीं कोई क्वाची नहीं जाना अजकल क्वाची का सिस्टम है नहीं है मोबाइल चलो बच्चा उत्थे बेही रहा उही चक्कर है कि बच्चे इंट्रस्ट ही नहीं है इन चीजें अजकल बच्चे शतूने बड़े अगर मोबाइल खोई लाओ ना माँ पे मारी भी है हूँ बच्चे आदत बाकी कुछ साड़ी भी हालत हो सकती है पर अस अपने बच्चे थोड़ा बहुत इन चीजें को दूर रखे कि सू पता कि थोड़ा और हूँ दिखो कि इतने यही है ये सिस्टम आई कि अगर मेरा ब्याह मेरे बच्चे तो मैं अपने बच्चे लियाने पवा दा क्या लियाने अस कि अपने बच्चे दस रहे कि काम करना है
अगर अस करें तो क्योंकि बाकी हम कोई लिया राय नहीं है इन्ना सू पता लगी दा कोई इंट्रस्ट नहीं है कुछ का और ईवन इस भी मैं तुम्हें बोल दिना कि जो इंट्रस्ट है ना ये माँ प्यो का तो है ही है समाज के जो स्कूल है ना वह भी कई जो प्रोग्राम होंगे ना उन्हें फैंटेसी प्रोग्राम बनाइए दसते हैं कोई धार्मिक प्रोग्राम बनाइए नहीं दसते हैं कि अगर नौ दिन नवरात्रे तो कहन इसी पूरे बच्चे करिए दस बच्चे दो गाने लाई डे डांस कराई डे वर्दी पाई इो करो बस ये है बस मीं तो इो लगता सारे स्कूलें कुछ चल के स्कूल दसा कोई नहीं दसता अजकल और मी लगता कि लोगों के इंट्रस्ट बधाना चाहिए अपने बच्चे का और ईवन जो संस्थान बच्चे पढ़ते हैं सारे को पहले उनकी भी जिम्मेवारी बनती कि बच्चे थोड़ा बहुत धार्मिक जो काम है ना वो बाद जरूर दसो बच्चे अंग्रेजी आती हिंदी आती पर थोड़ी जी मात्र भाषा ना जी सी अपनी माँ बोली है डोगरी वह भुलीए और संस्कृत तो छोड़ो पर सू भी नहीं आती अभी भी थोड़ी बहुत कोशिश करने यूट्यूब पर सीखा थोड़ी बहुत सीखी असा भी साढ़े बड़े भ्रा सू साथ दिता सीखा और साढ़े इतने ऐसा है कि तुम कुछ भी चलो साढ़े इतने बड़े ऐसे किरदार ने जिद लोग रामचित्र मानस पढ़िया करा देते नौजवानी करते हैं और साढ़े एक भ्रा ने अतुल भैया वो बाहर रावण का किरदार करा और शिव महिमन स्त्रोत्र जोड़ा है कोई अद्धे घंटे का मूंहजवानी बोला देना बड़ी प्रैक्टिस है तो साढ़े इधर लोग मेहनत करते हैं बड़ा बड़ा शुक्रिया थोड़ा महाराज बहुत बहुत शुक्रिया महाराज थोड़ा बहुत शुक्रिया जो सू टाइम दिता अपना कीमती थैंक यू मलाटी करचे बोलना चलना स्टाइल रब तरफ ही है बाकी सारी दुनिया दिखती है अप्रीशिएट करती है सारे बोलते नहीं यार मेघना का रोल करता है जो लाडू अंगद का रोल अच्छा करता साढ़े अतुल और रावण का रोल उस चीज़ा उनके को इन दोनों को ही बड़ा कुछ सीखा है तो चला वा बस यही टाइम चला युद्ध वाला रोल भी होना बड़ा युद्ध वाला बस पहले लक्ष्मण बरछी हुई है अच्छा। तो हूँ मेरा युद्ध बस कुंभकर्ण का युद्ध होना वो बाद मेरा युद्ध कलाकार रामलीला ग्राउंड कठुआ कलाकार है इन्हें अपनी खूबियां ऐसा क्या इन्ने बड़े होइए काम करते काम कराने ऐसे कोई अंगद रोल करता कोई मेघनाथ का कोई कुंभकर्ण का कोई कै रोल करता निके निके जागत लगे तो उन्हें मलाटी कर लैन थोड़ी केह नाम थोड़ा मेरा नाम संदेश शर्मा संदेश कि उम्र थोड़ी मेरी 16 रामायण रामलीला सब चीज भुली जाते बरत रखने भुली जाते जाने निके निके जागत ने लिखा जेडे के गलाना चाहते होने अपने धर्मी याद रखना चाहिए भुलना नहीं चाहिए बस यही है कि रामलीला दिखो जियां ये होंदी रामलीला होंदी है इत्थे कठुआ वासी सारे इत्थे आओ दिखन आओ रामलीला उन्हें भी संकेत पुछदा कि अजकल दे निके निके बच्चे रामलीला करेरदे हाँ जी हाँ जी ये इन्हें बड़ा अच्छा रोल कीता बच्चे एक और बच्चा छोटा जिहा है के नाम थोड़ा शिवांश किन्नी उम्र थोड़ी 14 रोल करना नानी घर इतना रोल इतना करते आई कि मजा आंदा लोग इले तुम दिखन आते हैं तो रोल करते हो लोग ताड़ी मजा आता नहीं ये कलाकार ने बड़ा मजा आते हैं और साढ़े भ्रा और इतना खड़ोते ये राम भगत ने बड़े तगड़े और किले वाले मंदिर के भी भगत बड़े तगड़े ने लखनपुर वाले दे और गौशाला के भी भगत ने गौशाला बड़ी पूजा करते हैं गौ माता की बड़ी पूजा करते उनके कन्नै मलाटी करने सारे पहले तुम राम राम सर तरफ बड़ी बड़ी शुभकामनाएं विजय दशमी द ते तुहाड़े चैनल दे माध्यम नाल सारे दुनिया की सारे विश्व की सारे समाज की अस इहो बोलने आ कि सानू एक प्रेरणा लैनी चाहिए भगवान श्री राम कोलो भगवान श्री राम कोलो सानू प्रेरणा लैनी चाहिए उन्हें देखो जी किन्ना अच्छा एक सानू एक संदेश दित्ते दा गलत काम नहीं किते कोई जिंदगी च
रस्ते जिहड़ा बंदा लभिया उहदी हैल्प ही कीती, मदद कीती, कोई तरीके नाल उहदा बेड़ा पार कीता। ते कई ऐसे हे जिहड़े सदियां दे प्रीक्षा करा रहे हे, महाराज कुछ लै प्रभु श्री राम आणगे, उहदे दर्शन करके साडी जिंदगी कृपा होगी। बाकी ये जिहड़े बच्चे छोटे जिहड़े देखणा तुसीं कलाकारी जिहड़े करा रहे ना, पिछले महीने डेढ़ महीने के पहले एक रिहर्सल शुरू होंगी है, इंदी महीना डेढ़ महीना पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है, तो अपनी मेहनत का जो पूरा नतीजा पूरा ये थोड़े सामने दसते हैं, तो बाकी जनता की अच्छा लगता है इनके कार्यक्रम जो भी हैं थोड़े माध्यम ना समाज दिखा रहा है। अस इो बोलने कि हर साल नवरात्रे मनाए जाते हैं, माता राणी के मनाए जाते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करने होंने, मगर दुख जिले हों बृद्ध आश्रम जन्ने होंने उत्तर कई मावं सूँ मिलती हैं, वो भी कुछ पुत्र दावा न कुछ बच्चे दावा वो भी कुछ रूलों दी उत्थे साला केह फायदा जिंदगी जीने का, जिन्ना होंगे अस कोशिश करने होंने समाज के कई जो समाज सेवी करा दे मदद। बाकी प्रभु श्री राम की कृपा जो होना अच्छा होना, अस इो बोलने भगवान सरबंतु सुखी नो रहे और सू कुछ सुखू राजपूत जी, मैं तुम्हें सुरखू ला निके भरा उस मेरे मैं ना मेरे मूहे चढ़ा थोड़ा ही है। अच्छी लोग जो साढ़े लोग ना सनातन धर्म भुली जा रहे, गौ माता की पूजा भुली जा रहे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते? संदेश इो है कि जोड़े भी साढ़े आदरणीय बड़े ने साढ़े साढ़े माँ प्यो ला लो, अस इो बोलने कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दो, कुत भी लागे गौशाला है उत्थे अपने बच्चों को घा पाओ, ग्रह भी शांत होंगे न, एक सेवा भी होती है, फिर उन्हें क्या होंगे कि तुम पहल करके कई आते हैं अगर कई गौशाला ऐसा ने जिते साढ़े शहर के लोग नहीं पुजी सकते हैं। अस बोलने कि गौ सेवा सब तो बड़ी सेवा है जिंदगी दे विच, अगर जिस बंदे ने गौ सेवा करी ना समझो महासेवा हो जिंदगी विच। रही गल सनातन की, सनातन यदि अस के बोलना ये ऐसा कोई शब्द नहीं है, सनातन बड़ी बड़ी चीज़ है, समुद्र है यदा कोई अंत नहीं है, सनातन के बिच ही अस जन्म लेता है। सनातन सानू यह बोलता है किसी ना माड़ा नहीं करो अच्छा करो, जिंदगी दे विच हो सकदा भला करो किसी का माड़ा नहीं करो, सनातन सानू यह बोलता है। दूई गल सनातन यह बोलता कि अगर कोई बंदा परेशान है उसी बंदे जरूरतमंद की मदद करो, सनातन च क्या जरूरतमंद की मदद करो, कोई कुड़ी विधवा है कोई कुड़ी समर्थ नहीं है ब्याह दे उहदी हैल्प करो उहदी शादी करो, समाज दे जिन्ने समाज सेवी है सनातन यह आखदा है, सनातन यह नहीं आखदा कुसे की मारो। बाकी साढ़े माँ प्यो ने सानू यह शिक्षा दी दी है जिहड़े वड्डे ने उहदा आदर सम्मान करो, निक्कियां की प्यार करो, ताइयों तुहानू रिटर्न आएगा। बाकी जिंदगी अस के करना प्रभु श्री राम शक्ति देंदे ने, वह कराते हैं, एड्डा वड्डा माध्यम जिहड़ा है सन्नी प्रधान जी हैं इनकी देखरेख से होंदा है, बड़ी मेहनत की ना महाराज अस 30-35 साल होइए निक्के निक्के हे आने लगे हे, हुण तो चलो प्रभु श्री राम की कृपा है अच्छा कार्यक्रम लग रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। हूँ तो ने मलाटी करने रामलीला नाटक क्लब जो कठुए का ना इतों के प्रधान साढ़े सन्नी होर, इं दविंदर सिंह ना आता अस सन्नी होर लाने सन्नी भरा लाने इंटर मलाटी करने और किन्ने बरे होइए ने कम करते सेवा करते मेले ये रामलीला ग्राउंड की सेवा करते हैं हर जगह जिसे देखो ने किले आए मंदिर जाओ उत्थे देखो साधु बोली जाओ उत्थे देखो सन्नी 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 जगह हर जगह नाम बचा होंगे तो आओ सन्नी के नाम मलाटी करचा। सनी तो पहले सतु जय श्री राम, जय श्री राम और टीम तरफों तो दशहरी बड़ी बड़ी मुबारक। सारों को पहले मुबारक साढ़े भारत वर्ष की कठुआ वासी जम्मू कश्मीर वासी इस विजयदशमी के उपर बहुत बहुत बधाई है और बड़े अच्छे तरीके जोड़े साढ़े जोड़े नौ दिन जोड़े हुए न बड़े पीसफुली शांति कन्नै भाईचारे कन्नै जोड़े ने निकले न। अज का बड़ा बड़ा पर्व है, इस पर्व की मनाने वास्ते बाहरों लोग आते हैं, अपने जोड़े भी लोग कुदै गेदे हो आते हैं, तो थोड़ा भी बड़ा धन्यवाद है मीडिया का क्योंकि थोड़े माध्यम कन्नै जोड़ा है हर वर्ग तक जी गल पुछती है। सनी जी रामला बड़ी बड़ी रामला होती है और बड़ी दुनिया इतने देखने आती है दशहरा बड़ा दिन का, तुम कि देखभाल संभाल करनी कि करते हो? संभाल कर लेना तुम्हें पता भगवान श्री राम या माँ जगदम्बा है जिन्हें इस जी जिन्हें इस सृष्टि चला दी है, अस जेड़े हैं अस एक सेवादार हैं, अस पहले भी सेवा करते हूँ भी सेवा अगे भी करते, एड़ा एड्डा बड़ा पर्व जोड़ा है इन्नी दुनिया इन्ने लोग आते हैं, ये भगवान राम जी की शक्ति है माँ जगदम्बा की शक्ति है, उस शक्ति कन्नै जोड़ा है ये सारा पर्व बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जाता है। तो मैं देखा इस बार नवे निके निके कलाकार भी लखनपुरा कलाकार इतने कलाकारी करने आए तो कि शैल लगता और बच्चे कदया रोल करा दे? देखो छोटे छोटे बच्चे ने बड़ा अच्छा रोल अदा कराए ने, ये जरा रोल है ये इंदा बड़ा सौभाग्य है कि 10-12 साल की उम्र के बच्चा जरा है वह रोल करा दे। अस इस क्लब 17 साल दे आए हे इतने पिछले 27 साल दे अस इस क्लब दे विच काम कराने हैं और काम करने बाद सानू सारों को पहले 10,000 रोल थोया, उसके बाद अस ओ बने दरबारी बने हर रोल अं अदा कीते दा ए टू ले जेड तक रोल अदा कीते दा तां इस मुकाम तक अस इत्थे पुज्जे दे हैं। आदे ना स्लो एंड स्टडी विनता रे अस पौड़ी पौड़ी चढ़दा जां जय माता दी करदे गया छोटा छोटा कार्य अं करते रहने हैं, ये सारे भरा दा सहयोग है तुहाडा सहयोग है कठुए लोगों का सहयोग है साढ़े जिन्हें भी सीनियर कलाकार ने साढ़े जिन्हें भी बुजुर्ग लोग ने साढ़े वार्ड बशेर उन्हें यह उनकी सारी देन है कि अच्छा अं इस पोजिशन पर पुज्जे हैं।
धन्यवाद। आओ एक मिनट गल करचै, इत्थे रावण का रोल जिहड़ा करदे ना ये थप्पा अरुण बड़ा प्यारा रोल करदे रावण का, तो बड़ा मजा आता सुनने, और ये मंत्र बड़े प्यारे बोलते हैं रावण के, मजा आ जाता। साढ़े शायद कठुए च गए, जम्मू च भी ऐसा रावण का रोल कोई नहीं करता होना, ये थप्पा होर करते हैं। सब तो पहले तुम्हें जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा किन्ने बरे जो तुम रावण का रोल करते भला? ये 99 तो यह सिलसिला एक शुरू हो रहा है। रावण का रोल करना, किरदार निभाना एक बड़ा बड़ा किरदार है, तो किया निभाते करते? बस एक 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 माहौल मिलता हो लिया, ये माहौल एक इं बचपन तो घर तो ही शुरू होता है। साढ़े पिता जी है वो शुरू तो रामायण का पाठ, मतलब कि वह मतलब काफ़ी राम भगत है, और उन्हें जेडे कुछ श्लोक या रामायण पूरी मतलब उन्हें कंठस्थ ही उन्हें हर टाइम मतलब जो भी फ्री होंगे हे, बस उन सुनी सुनिए एक बड़ा एक अंदरों एक मतलब बड़ा होंदा कि अस भी इं मतलब बोलिए जो रामायण पढ़ते हैं। बस वो एक सिलसिला जरा बचपन तो गै शुरू हो, और फिर जिले इतने आए क्लब जिले शुरू किया असें, बस वो थोड़ा इंट्रस्ट बनया कि रावण का किरदार हा पहले उसी समझने का, उस करैक्टर की फिर उसी पढ़िया के चीज़ हा रावण, आस्ता आस्ता सारी चीज़ा क्लियर हुई जी कंसैप्ट बनते गए। जो साढ़े इतने साढ़े लाडू और साढ़े डायरेक्टर साहब ने वो भी काफ़ी इस बारे च मतलब काफ़ी इंट्रस्टड न, और उन्हें काफ़ी सारे सतशास्त्र जेडे रामायण दे काफ़ी सारे ने, वाल्मीकि कृत है, रामचरित मानस, तुलसी कृत है, अध्यात्म रामायण है, रावण संहिता वगैरह, ये सतशास्त्र एक्चुअली एक नाटक जिहड़ियां पुस्तक वो कुछ अलग न जो साढ़े सत्त शास्त्र न, उहदे च मतलब जेडे फैक्चुअल चीज़ा न उहदे चों ही मिली सकदियां सानू, एक ड्रामा और एक जिहड़ियां एक्चुअल चीज़ा न जिहड़ियां साढ़े सत्त शास्त्रें च उहदा अध्ययन, और मुड़ें भी बड़ा अच्छा साढ़े जेडे क्लब दे मुड़े ने उन्हें भी शौक है इन्ना कोई अच्छा, मैं दिक्खियै बड़ा हैरान होना कि एक कोलो एक वधिया कलाकार साढ़े कोल, ते ओ भी बड़ा इंट्रस्टड इन चीज़ें पढ़ते हैं लिखते हैं, और उहदे कन्नै एक्चुअली होंदा क्या कि वो परमात्मा शक्ति अपने आप ही काम करना पौंदी, जिल्लै अस उन्हें पढ़ने ना वो परमात्मा शक्ति अपने आप काम करना पौंदी, और अस तो एफर्टलैस हैं, अस कोई कोशिश नहीं करते, वो परमात्मा नहीं पता नहीं सानूं, ये साढ़े आस्तै एक मंदिर है, और असें बड़े बारी यह चीज़ अनुभव की कि अपने आप ही होने लग पौंदा। मंत्र है ना शिवजी का जो बोलते शिवलोक मंत्र, वो बड़ा घैंट दा लोग सुनते ना, थोड़ा मंत्र सुनने वास्ते लोग बड़ी दूरों दूरों आते हैं, तो सानू थोड़ा छोटा दिखा दो इस वीडियो पर, थोड़ा छोटा जिहा मंत्र थोड़ा सुना दो। ये तो हुण थोड़ी जी स्तुति ही शिव महिम स्तोत्र हा, वो एक्चुअली रावण स्तोत्र दा ने जिहड़ा रचित है तांडव, शिव तांडव स्तोत्र, उहदा श्लोक न जटात वीगल जल प्रवाह पावित स्थले नलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंगा मालिकाम धमड 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 धमन्नि नाद वड्ढ मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। बस प्रस्तुत होना है, बस बस उन्हें लास्ट च ये तांडव स्तोत्री है। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ी मेहरबानी सर। जय श्री राम। ये पूरे रामलीला नाटक क्लब कठुआ के कलाकार है जेड़े, उन्हें पूरे सारे ने मनाटी की असें, उन्हें सारे अपना दसा किन्ने किन्ने बरे इन्ने काम करते हो और कहदा कहदा रोल करते हैं, बड़ा अच्छा लगे। फिर थोड़े कन्नै मलाटी करा के एक बार दोबारा थोड़े कन्नै, तुम देखते रहो एस बी कठुआ।